आवाम ने लोटों को कबूल नहीं किया, सख्त मुआशी फैसले ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का बाइस बने। नून लीग के इजलास में शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों का इजलास कल बुला लिया। बड़े भाई ने भी हाथ उठा लिया, नवाज शरीफ कहते हैं शुरू दिन से हुकूमत लेने के हक में नहीं था। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से राबता, पंजाब में तहरीक इंसाफ की फतह के बाद बदलती सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत, पीडीएम परेशान। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और कापी पर मुश्तमिल इत्तेहाद ने हुकूमत साजी के लिए मतलूब अक्सरियत हासिल कर ली। 15 सीटें जीतने के बाद अरकान की तादाद 188 हो गई। हमजा शहबाज की क़यादत में हुकूमती इत्तेहाद 179 नशस्तों पर मुश्तमिल रह गया। ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग का टर्नआउट 50% के करीब रहा। रुपए की बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में 5 रुपए इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह 216.50 रुपए पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में 4.24 रुपए महंगा, 215.19 रुपए पर बंद हुआ। शौकत तरीन कहते हैं बेयकीनी बढ़ गई। असद उमर बोले नाकाम और गलत तजर्बे को रोकने का वक्त आ गया। मुजम्मिल असलम ने तंजिया ट्वीट लिखा, तुमसे नहीं हो पाएगा। सिंध के बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रोका जाए, एमकेएम ने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया। फरोग नसीम ने दरख्वास्त दायर कर दी, मौकफ अपनाया, कानून साजी से कबल बलदियाती इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एमकेएम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नाजिम जोखियो कत्ल केस, एमपीए जाम अवैस का नाम केस से खारिज करने की रिपोर्ट मुस्तरद, मुकदमे का सामना करना होगा। मलीर अदालत ने कहा किसी को इल्जाम से बरी करना तफ्तीशी ऑफिसर का इख्तियार नहीं, बरियत का फैसला मुतालिका अदालत ने करना है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में मजीद 3 अफराद जान बहक, तादाद 75 हो गई। अम्बाद, बोलान, कोयटा, योब, दुक्की, खुजदार और कोहलू में हुई। केच, मस्तों, हरनाई, पलासाकुल्ला और सिद्धी में भी हलाकतें हुई, 52 अफराद जख्मी हो गए, 1,047 मकानात मुनहदिफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।